जावेद अख्तर को ये क्यों लगता है कि रोशनी कम है मैं समझता हूँ कि जब तक दुनिया में थोड़ी सी भी नाइंसाफ़ी है दुनिया में थोड़ी सी भी जहालत है बीमारी है मजबूरी है बेरोज़गारी है तब तक रोशनी कम है रोशनी हमारी हर एक की ज़िंदगी में आए हर एक की ज़िंदगी जगमगाए उसके लिए ज़रूरी है हर इंसान को उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिले जो जिंदगी जीने की जो सहूलतें हैं वो मिले जब तक हर एक को नहीं मिलती तो रोशनी कम है हुक्मनामा ये आपने दो बरस पहले भी इसी मंच से हमारे दर्शकों को सुनाया था नया हुक्मनामा क्या दो वर्षों में कुछ और बना है अब देखिए पोइट्री के अलावा कोई ज्यादा काम आता भी नहीं है मुझे कुछ राइटिंग कर लेता हूँ कभी प्रोज़ में कभी पोइट्री में अब वही करता रहता हूँ तो और भी कुछ लिखा है लिखते ही रहते हैं कुछ उसके साथ अगर आगाज़ हो जाए मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने यह साजिश रची है कि लफ्ज़ और माने में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन हो कमज़ोर कर दो कि हर लफ्ज़ मन जाए बेमानी आवाज़ फिर सारी आवाज़ों को ऐसे गडमट करो ऐसे गूँधो कि एक शोर कर दो ये शोर एक ऐसा अंधेरा बुनेगा कि जिसमें भटक जाएंगे अपने लफ्ज़ों से बिछड़े हुए सारे घूंगे मानी भटकते हुए रास्ता ढूंढते वक्त की खाई में गिर के मर जाएंगे और फिर आके बाज़ार में खोखले लफ़, बेबस गुलामों के माने द बिग जाएंगे ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पे इस तरह यूरिश करेंगे यूरिश हमला करेंगे कि सारे ख्यालात की सब इमारत ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ थाट्स सारे जज्बात के शीशा घर मुनदम होकर रह जाएंगे डिमोलिश होकर रह जाएंगे हर तरफ जहन की बस्तियों में यही देखने को मिलेगा कि एक अफरा तफरी मची है मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने यह साजिश मगर कोई है जो ये कहता है मुझसे कि हैं आज भी लफ्ज़ मानी के ऐसे परिस्तार व शदा लफ्ज़ के मीनिंग के और वर्ड्स के ऐसे चाहने वाले कि हैं आज भी लफ्ज़ मानी के ऐसे और शदा जो मानी को यूँ बेजबा लफ्ज़ को ऐसे नीलाम होने ना देंगे अभी ऐसे दीवाने हैं जो ख्यालत का सारे जज्बात का दिल की हर बात का ऐसा अंजाम होने नहीं देंगे अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कहाँ हैं वो दुनिया के जिस कोने में हैं जहाँ हैं उन्हें यह बता दो कि लव और मानी बचाने की खातिर जरा सी ही मोहलत बची है मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने यह साजिश रची है